दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इंस्टाग्राम अकाउंट को किस तरह से आप टेम्परेरी डीएक्टिवेट कर सकते हैं, उसे आप टेम्परेरी किस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं। क्योंकि हम इंस्टाग्राम अकाउंट को अगर हम उसे टेम्परेरी डीएक्टिवेट कर देंगे तो कुछ समय के लिए वह अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, कुछ समय के लिए वह डिलीट रहेगा। लेकिन अगर हम उसे फिर से रिकवर करना चाहें तो टेम्पररी डिलीट किए हुए अकाउंट को, टेम्पररी डीएक्टिवेट किए हुए अकाउंट को हम फिर से उसे रिकवर कर सकते हैं, फिर से उसे हम एज ए नॉर्मल अकाउंट यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप इंस्टाग्राम अकाउंट को टेम्पररी डीएक्टिवेट कर सकते हैं या फिर टेम्पररी डिलीट कर सकते हैं। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। इसके लिए चलते हैं अपने हम इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पर। तो सिंपली हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन कर लेते हैं। देन ओपन करने के बाद सिंपली हमको यहाँ पर अकाउंट वाले सेक्शन में चले जाना है। यहाँ पर अकाउंट वाले सेक्शन अभी है, यह है, यहाँ पर चले जाना है। जैसे अकाउंट वाले सेक्शन पर आएंगे तो हमारे सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमको ये तीन लाइन देखने को मिल जाएगी। सिंपली हम तीन लाइन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमको यहाँ पर एक सेटिंग देखने को मिल जा रही है। सिंपली हम सेटिंग पर क्लिक कर देते हैं। चूँकि जैसे यहाँ पर हाथ हमारा आता है तो फोकस हमारे हाथ पर करता है तो यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। इसके बाद हमें यहाँ पर एक हेल्प सेक्शन दिया गया है। सिंपली हम हेल्प सेक्शन पर क्लिक कर देते हैं। इसे ही हेल्प सेक्शन पर हम क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद फिर से हमें हेल्प सेंटर पर यह भेज देता है। तो हम हेल्प सेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। इसे हम हेल्प सेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा यह घूमेगा गोल गोल। देन हमको एक नए सिरे नए इंटरफेस पर हमको यह रिडायरेक्ट कर देगा। हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जो कि अगर इंटरनेट कनेक्शन स्लो रहता है तो उस पेज को लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। देन यहाँ पर हमको ये सर्च बार देखने को मिल जाता है। तो आपको सिंपली सर्च बार में यहाँ पर टाइप कर देना है हाउ टू डीएक्टिवेट। सिंपली हमने इसको सर्च किया है। देन हाउ टू डीएक्टिवेट जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर लिख कर आ जाएगा कई सारे ऑप्शन यहाँ पर, हाउ टू डीएक्टिवेट माय अकाउंट, हाउ टू डीएक्टिवेट अकाउंट। तब सिंपली किसी एक पर क्लिक कर देंगे। इसे एक पर हम क्लिक करेंगे तो हमको एक यहाँ पर नया ब्लॉग देखने को मिल जाएगा, टेम्प्रेरी डीएक्टिवेट योर इंस्टाग्राम अकाउंट। सिंपली इस ब्लॉग को ओपन कर लेना है। इस ब्लॉग को हम ओपन करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर तीन ऑप्शन खुल कर आ जाते हैं, instagram.com फ्रॉम ए कंप्यूटर, फ्रॉम ए मोबाइल ब्राउजर, फ्रॉम ए आईफोन। तो अगर आपके पास आईफोन है तो आप आईफोन को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल में कर रहे हैं तो सिंपली आपको एंड्रॉयड मोबाइल पर यहाँ पर चले जाना है। इन्हें यहाँ पर इंस्ट्रक्शन हमको दिया गया है कि किस तरह से क्या करना है। जैसे बताया गया है कि पहले instagram.com पर जाना है, देन प्रोफाइल पिक्चर पर राइट एंड टैप प्रोफाइल। देन इसके बाद हमको एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। स्क्रॉल करेंगे तो सबसे नीचे हमको टेम्परेरी डीएक्टिवेट माई अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली हम स्टेप बाय स्टेप वही प्रोसेस करते हैं। तो सिंपली पहले हम instagram.com पर चले जाते हैं। instagram.com पर चले जाते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पर। देन क्रोम ब्राउजर से अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली 100% जो है टेम्परेरी डीएक्टिवेट कर पाएंगे अपने अकाउंट को। तो मैं क्रोम ब्राउजर पर भी आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आप क्रोम ब्राउजर पर करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम को क्रोम पर भी लॉगिन करके रखा है। तो हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं क्रोम ब्राउजर में। हमने लॉगिन तो किया था लेकिन शायद लॉग आउट हो गया, तो इसको हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं। देन इसके बाद इसको हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं। आपको अगर नंबर लिख रहे हैं तो वहाँ पर इंचान नहीं लगाना कंपलसरी है, तभी आप लॉगिन कर पाएंगे, अन्यथा लॉगिन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 91 इंडिया से स्लो है, इस कारण से हमको थोड़ा लेट ऑप्शन खुल रहे हैं। तो हमको एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन मिल गया है। क्योंकि हमने यहाँ पर ट्रांसलेटर हमारा ऑन है शायद, इसलिए इसको ट्रांसलेट कर रहा है बार बार। इसको हम इंग्लिश कर देते हैं, एडिट प्रोफाइल में कर देते हैं क्लिक। जैसे हमने एडिट प्रोफाइल पर क्लिक किया तो फिर से हमको वही ऑप्शन देखने को मिल गया है। पर हमको टेम्परेरी डीएक्टिवेट माई अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सिंपली हम टेम्परेरी डीएक्टिवेट माई अकाउंट पर क्लिक कर देते हैं। क्योंकि यह ब्राउजिंग मोड है, यह ब्राउजर में है, इसलिए थोड़ा धीरे काम कर रहा है। लेकिन इसको हम एक ऑप्शन हमको यहाँ पर रीजन सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है कि आप एक रीजन सेलेक्ट कीजिए क्यों डीएक्टिवेट करना चाहते हैं। तो कुछ नहीं, बस
कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसके अलावा किसी दूसरे को सेलेक्ट करेंगे तो डिलीट नहीं होगा, डीएक्टिवेट नहीं होगा, डीएक्टिवेट फिर भी हो जाएगा। आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड फिल करना है, टू कंटिन्यू प्लीज़ री एंटर योर पासवर्ड। इसके बाद हम टेम्प्रेरी डीएक्टिवेट माई अकाउंट पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर यस कर, यस या फिर नो कर रहा है, यस सिक्योरिटी के लिए पूछ रहा है, तो हम इसको यस कर देते हैं। यस देन सॉरी यू कैन डिसेबल है ऑन स्पीक। तो अगर आप भी टेम्प्रेरी डीएक्टिवेट माई अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो आपका जो अकाउंट है पर टेम्प्रेरी डीएक्टिवेट हो जाएगा। चूँकि हमने अभी पिछले वीक ही अपने अकाउंट को एक बार डीएक्टिवेट कर चुका है, इसलिए अब हमको बता रहा है कि आप एक वीक में केवल एक बार ही अपने अकाउंट को टेम्प्रेरी डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अगर फिर से अगर आप करना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट वीक ट्राई कर सकते हैं। जैसे आप टेम्प्रेरी डीएक्टिवेट अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो आपका अकाउंट टेम्प्रेरी एज ए टेम्प्रेरी डीएक्टिवेट हो जाएगा। फिर से अगर आप इसे रिकवर करना चाहते हैं तो अपना यूजर नेम पासवर्ड डालकर रिकवर कर सकते हैं। आई होप कि आपकी, तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के जरिए आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी। ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ और अधिक पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।